करवा चौथ पे आप मुझे फोन गिफ्ट कर रहे हो हैं? कौन सा वाला? सब ठीक होंगे। और आज पता है, मतलब मैं अभी ना थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि करवा चौथ आने वाली है ना, तो मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा। लेकिन ऐसे किसके हस्बैंड है यार जो ये बोले कि मैं भी व्रत कर लूँगा। तू बता, तू क्या गिफ्ट देगी? तो पहले आप लोग हमारी बातें सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपको किचन में लेके जाऊँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑयल। आदिवासी हेयर ऑयल लगाया था ना, तो काफ़ी सारे बाल टूटने लग गए थे, लेकिन फिर मैंने अपने घरेलू नुस्खे आजमा है जिससे मेरे बालों में अभी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो मैं आज तेल बना रही हूँ, हालांकि मैंने तेल नहीं बनाया है, मैंने पानी में मेथी कलौंजी वगैरह ये सब चीज़ें डाल के और सिर्फ 3 बार बाल धोए हैं उस पानी से, तो बाल टूटना बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो अब मैं सोच रही हूँ उसका तेल भी ऐसे ही करके बना लूँ, और बस तेल और शैम्पू में भी वही पानी यूज करूँगी, फिर मैं पानी भी बना के रखूँगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं अभी बनाने वाली हूँ। और तो पहले आप लोग हमारी बातें सुनिए कि हम लोग क्या क्या बातें कर रहे थे और कैसे कैसे बातें कर रहे थे। मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन बातें तो सुनोगे ना। अभी दिखाती हूँ। जब से करवा चौथ पे आप मुझे फ़ोन गिफ्ट कर रहे हो हैं? कौन सा वाला? ऐसे सरप्राइज में मत रखो, बता दो ना क्या है, हैं बताइयो। अरे फ़ोन का नाम बता दो बस, कौन सा फ़ोन गिफ्ट कर रहे हो? 1100 नहीं चाहिए? iPhone 16 Pro। हाँ वही है, तो 1100 के पीछे 3 0 और लगा के मेरे फ़ोन में ही ट्रांसफ़र कर दियो हैं। 1100 के पीछे 3 0 और लगा के मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देना ना। आगे क्यों लगाओगे, पीछे लगाना, पीछे 0 लगा के और तब मेरे फ़ोन में दे देना। बताओ ना। मैं अपना आप ले लूँगी फिर, बताओ जी, बता दो ना क्या दे रहे हो। थोड़े ही दिन रह गए अब करवा चौथ में, 20 तारीख की है। धर्म जी अपने फ़ोन से निकल लिया करो पहले, ना ना दे रहो, ऐसा नहीं होगा। मेरे को गिफ्ट चाहिए ही चाहिए इस बार, चाहिए, मैं तो ले कर रहूँगी। क्या दिया था, क्या दिया था आपने? गजरा, ये लाइट ऑन करना याशी, वो लाइट ऑन कर। गजरा, गजरा कोई गिफ्ट होता है? और होता है पापा। है, आई पापा की बच्ची। भाई मुझे चाहिए चाहिए, ये देखो पापा के चमचे, दोनों के दोनों हैं, दोनों पापा के चमचे हैं। हाँ ठेंगा पिटाई हो जाएगी दोनों की। आप करोगे? मैं करूँगी। आप करोगे? हाँ आप करोगे। मैं तुमसे बता दो ना गिफ्ट क्या दे रहे हो आप मुझे? कुछ भी नहीं, सरप्राइज दोगे क्या? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, मैं देख लो। भाई मुझे चाहिए। आप बर्थ करोगे? हाँ कर लूँगा। तो मैं भी आपको सरप्राइज गिफ्ट करूँगी फिर, आप अगर आप व्रत करोगे तो। आप पूरा दिन पानी भी नहीं पीना है फिर आपको, पक्का? हाँ तो करना फिर, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। मैं भी करूँगा। ये भी करेगा। यश भी करेगा, ये हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत करेगा। ठीक है ना, पक्का फिर गिफ्ट देना है? मामा, मुझे भी देना है। ये मत कह देना कि अदले का बदला हो गया। हाँ तो ऐसे कैसे कुछ भी दूँ? हाँ 10-15 रुपए की चीज पकड़ा दोगे आप, एक चॉकलेट ला के दे दोगे तो कुछ भी दूँ? नहीं भाई, मैं सरप्राइज गिफ्ट बहुत महंगा वाला महंगा दूंगी मैं तो। हाँ व्रत, हाँ ठीक है कर लेना, यश भी व्रत करेगा। वो सरप्राइज के लिए कर रहा है, वो सरप्राइज। तो तुझे थोड़े ना गिफ्ट मिलेंगे, बस। हाँ तू हमें गिफ्ट देगा ना? ठीक है, आपको भी, आप दोनों को भी दे दूंगा। अच्छा कितना समझदार है, गिफ्ट के लिए व्रत करेगा ये। गिफ्ट के लिए करेगा। तू सेम अपने पापा पे जाएगा बड़ा होके, फिर यूँ कहतेगा मैं भी व्रत कर लूंगा, है अपनी वाइफ को यही बोलेगा मैं भी व्रत कर लूंगा। मैं
शादी नहीं करेगा ये। तेरे पापा भी यही कहते थे, मैं शादी नहीं करूँगा। आप कहते थे ना मैं शादी नहीं करूँगा, हैं कहते थे? हाँ देख ले, कहते थे जिसने ये लड्डू खाया पछताया। पर मुझे सच्ची बता दो जी, मुझे पहले मुझे सच्ची बता दो, मुझे गिफ्ट क्या मिलने वाला है? देख हर बार की तरह ये नहीं चलेगा, मेरे को नहीं पता, मुझे गिफ्ट चाहिए चाहिए। क्या गिफ्ट मैं क्या दे रही हूँ, ये कोई बात है? मैं पहले बता दूँ, पहले आप बता दो ना लेडीजो का ना टॉपिक। मैं बता रही ना, मैं मुझे तो फ़ोन चाहिए, आप ला दोगे? फ़ोन आपको क्या चाहिए आप बताओ। बढ़िया, फ़ोन बंद हो गया, अब आप मेरे पे ध्यान तो दोगे? पहले पहले बता दो मुझे, पहले मुझे बताओ गिफ्ट में क्या मिल रहा है मुझे। हर बार ऐसा नहीं चलेगा, जल्दी बता दो। हाँ आई पापा वाली ठेंगा दिखा दो, नहीं बता दो जी बताओ। औलाद कितनी बुरी है, माँ की तो कोई से भी ना हो तुम्हें, मैं आज के बाद तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। यश तो मेरा बेटा, यश तो मेरा बेटा, यश नहीं कर, यश यश नहीं ना, यश नहीं करेगा, यश तो मेरा बेटा है, मेरी टीम है। हो कितना पलटू है, हो ये भी कितना पलटू है। क्या कह रहा है ये बता, मुझे बता दो क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है कि मैं मम्मी की टीम में हूं। ऐसा नहीं बोला इसने, ये इसने। हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई तीनों की चाल। अब मुझे गिफ्ट चाहिए ही चाहिए इस बार, कितने ही बच लेना अब की बार आप। और देखा आपने कि मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, तो किसके हस्बैंड ऐसे बोलते होंगे यार कि मैं भी व्रत कर लूँगा और तू बता क्या गिफ्ट देगी, देख लो, ऐसा कोई होता है कभी? और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में और मैंने ली मेथी, कलौंजी, करी पत्ता और नारियल का तेल, जिससे मैं बना रही हूँ अपने लिए हेयर ऑयल। और ये नारियल का तेल मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, हालांकि मैंने तेल कभी पहले नहीं बनाया था ये। और इसके साथ में मैंने पानी भी रखा है बॉयल होने के लिए, तो मैं पानी में भी ये सारी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं शैम्पू जब भी लगाती हूँ ना तो इसी पानी में ऐड करके और तब लगाती हूँ। तो पानी तो मैंने काफ़ी बार यूज कर लिया, लेकिन ये जो मैं तेल बना रही हूँ ना, ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने तेल कभी बनाया नहीं है ये वाला, तो देखती हूँ कितना असर होगा। तो उसके लिए फिर मैंने ये सारी चीज़ें इस तेल में डाल दी। और एलोवेरा मैं फ्रेश लेके आई थी, तो मैंने उसका जेल निकाल लिया था और इसके अंदर ऐड कर दिया, पानी में भी और तेल में भी। तो सेम चीज़ें मैंने दोनों पानी में और तेल में ऐड करी है, मेथी, कलौंजी, कड़ी पत्ता और एलोवेरा का जेल जो था वो। और इन सब चीज़ों से मैं ये सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो पानी को तो मैं ठंडा करके और बोतल में डाल के रख लूँगी, ताकि जब भी मैं शैम्पू करूँ तो यही पानी यूज करूँ। और तेल जैसे भी बाल धोने होंगे तो एक दिन पहले या रात को कभी भी लगा लो, और तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। और जो ये मैंने पानी बनाया था ना, तो मैं ये 3 से 4 बार यूज कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट नज़र आया था मुझे इसका। बाल काफ़ी हद तक टूटने कम हो गए थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा बना के रख लिया, ताकि बार बार बनाना ना पड़े। और इन सभी चीज़ों को तब तक बॉईल करना है जब तक ये आधी ना रह जाए। तो तेल बिल्कुल आधा बच गया था, मतलब एक बोतल ली थी मैंने तो आधी बोतल बच गई थी। और इन सब चीज़ों को जब तक ये बिल्कुल ना जल जाए ना, तो तेल की तो बिल्कुल जल जाएंगी, बहुत ही सूखी सूखी सी हो जाएंगी ये पत्तियाँ भी और मेथी, कलौंजी वगैरह भी, लेकिन पानी की जो है वो थोड़ी सी फूल जाएंगी, लेकिन काली नहीं पड़ेंगी। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए पूरा का पूरा जल चुका है, जितना भी इसके अंदर रस जूस जो था सब निकल चुका है, और ये पानी है तो पानी भी आधा रह गया है और तेल भी। तो बस मैं अभी गैस को ऑफ कर दूंगी और इन सब चीज़ों को छान के अलग कर लूंगी। और जो ये पानी में जितनी भी ये मेथी, कलौंजी ये सब है, तो मैं इनको इस वेस्ट को ना फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इसको मैं मिक्सी जार में डाल के और इसके अंदर मेहंदी मिक्स करके और तब अपने बालों पर लगाऊंगी। तो ये मैं हर बार ही करती हूँ, लेकिन जो ये तेल का जो मटेरियल जितना भी निकला है ना, इस सब को मैं फेंक दूंगी, क्योंकि इसको मैं नहीं लगाने वाली। क्योंकि और अगर चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं, हालांकि दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े बाल नहीं है कि इतना ज़्यादा ये सब हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ पानी वाला ही चाहिए। तो मैं पानी की जो भी चीज़ें बची है वेस्ट वाली, उन सब चीज़ों को मिक्सी जार में पीस के उसमें
में मेहंदी मिक्स करके रख दूँगी ताकि जब भी मैं दोबारा बाल धोऊँगी तो उससे पहले मैं इसको लगा लूँगी। और तेल को मैंने छान के अलग कर लिया है। तो ये जब मैंने इसमें डाली थी तो बोतल में, तो आधी बोतल बची हुई थी और अभी तो ये गर्म है इसलिए मैंने इसको नहीं डाला। हाँ, पानी ठंडा हो गया था तो मैंने इसको मेरे जो शैम्पू की बोतल थी उसी में डाल के रख लिया ताकि मैं जब भी शैम्पू करूँगी तो इसी पानी में ऐड करके और तब लगाऊँगी। तो ये रेमेडी आप भी ज़रूर ट्राई करना। जो तेल मैंने बनाया वो अभी ठंडा हो रहा है तो जो बाकी का बचा हुआ वो मैं बालों में डालूँगी, कटोरी में डाल के ले आई हूँ, वो मैं अभी बालों में लगा लूँगी क्योंकि सुबह मेरे को बाल धोने हैं। और देखती हूँ कितनी जल्दी इनका रिजल्ट दिखाई देता है। और हाँ, जो वो मैंने टिफिन में उठा के रख दिया है उसको मैं कल तो मैं तेल लगा के बाल धोऊँगी और उसके बाद जब भी मैं बाल धोऊँगी ना तो उसमें थोड़ी सी मेहंदी मिक्स करके और अपने बालों में मिक्सी में पीस के और तब लगाऊँगी। तो वो मैंने एक दो बार लगा रखा है, काफ़ी अच्छा, मतलब बाल टूटने बिल्कुल बंद हो गए उससे। वो मैंने बोतल में भर के रख लिया, उसका जो पानी था वो शैम्पू में मिक्स करके धोऊंगी अब उससे, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मेरे बाल टूटने बहुत कम हो गए हैं इससे। हालांकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं, क्लेचर लगा रखा है मैंने, मैं हमेशा ऊपर क्लेचर ही लगा के रखती हूँ, बहुत छोटे बाल हैं मेरे। और आदिवासी ने तो बहुत ही बेकार हाल कर दिया मेरे बालों का। तो देखती हूँ अब इसका रिजल्ट कितनी जल्दी मुझे मिलता है। और आज धर्मश्री पूरा दिन हो गए घर से बाहर ही है तो गिफ्ट की बात करती मैं अभी, हालांकि इलेक्शन के चक्कर में, क्योंकि आज यहाँ पे रिजल्ट आया ना, इलेक्शन वगैरह हुए थे उनका, तो उनकी पार्टी जीत गई मैं, तो जाहिर सी बात है जश्न मना रहे हैं आज वो लोग अपना। और बस ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।